द वेदांतु टेस्ट सीरीज। अगर आप 11th में है, 12th में है, 13th में है, आप किसी भी क्लास में, और अगर आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, या मोर इम्पोर्टेंटली पढ़ाई नहीं अगर बाय चांस आपकी ठीक चल रही, एग्जैक्टली पिन पॉइंट कैसे करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, क्या किया जाए ताकि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो जाए, या आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप देखना चाह रहे हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या जो कॉन्फिडेंस आपको थ्योरी पढ़कर आ रहा है वो कॉन्फिडेंस आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी लेकर आ पा रहे हो। मोर इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी बात जिसे कहा जाए वो ये है कि क्या कंसिस्टेंटली आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स में, एग्जाम में टाइम मैनेज कर पा रहे हो। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है एक टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज के लिए ना तो आपको घर से बाहर जाना है, ना आपको ट्रैवल करना है, ना आपको बहुत एक्सपेंसिव पैसे देने हैं। सबसे सिंपल बात, फ्यू हंड्रेड्स टाइप, थाउजेंड रुपीज टाइप्स में भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिनको एक्सपर्ट्स ने बनाया है। एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितनी वेटेज किस टॉपिक की होती है, नए पैटर्न के ट्रेंड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कई बार बायो में कैसे, हर एक पेपर को एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है, आप तक सॉल्यूशन पहुंचाया जाएगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। एंड द ब्यूटी इज वेदांतु का फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको एकलव्य कहा जाता है, जहां से हर साल हजारों बच्चे टॉप रैंक लेकर आते हैं, ये उनकी टेस्ट सीरीज है। दिस इज द वेदांतु एकलव्य टेस्ट सीरीज जो पहली बार आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस इंटायर टेस्ट सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दिस ट्रूली इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर अ नीट एस्पिरेंट। क्या है वेदांतु एकलव्य टेस्ट सीरीज? जैसा कि मैंने बोला, एकलव्य वेदांतु का फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हजारों बच्चे आते हैं और हजारों डॉक्टर बनके निकलते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर बच्चों ने भले कहीं कोचिंग ज्वाइन किया, कुछ भी किया हो, पर वो एकलव्य के बैच को नहीं छोड़ते, बिकॉज एकलव्य इज द सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर गेटिंग इन टू द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री। व्हाट डू आई मीन बाय थीम बेस्ड पेपर? जैसा कि मैंने बताया, 2020 में पैटर्न हो गया है चेंज। अब हम देख रहे हैं कि कभी ना कभी वो एक सब्जेक्ट को मुश्किल बना देते हैं। जैसे 2021 में उन्होंने बायो को मुश्किल बनाया, तो 2022 में केमिस्ट्री के पेपर को ट्रिकी बना दिया, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बाकी दोनों सब्जेक्ट्स पे पड़ती है। अब हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, बीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। इन सारी थीम्स को ध्यान में रख के हमने नए पेपर पैटर्न्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल के पेपर्स ही आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन को जो धार चाहिए, जो नीड्स है, वो पूरी हो सके। ये पेपर के लिए आपको ट्रैवल नहीं करना है। ऐसा नहीं है तबियत खराब है, आज ऑटो वाला नहीं आया, आज जा नहीं पाए तो पेपर मिस हो गया। यू कैन गिव द पेपर एनी टाइम एंड एनीवेयर एट योर ओन पेस, सो दैट इट बेनिफिट्स यू। आपको टेस्ट करके मुझे हीरो नहीं बनना है, आपको टेस्ट करके हमें ये पता लगाना है कि एग्जैक्टली आपकी पोजिशन क्या है, आप किस लेवल पे हो, सब्जेक्ट वाइज आपकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, जो हम थीम्स बना रहे हैं उसमें आप कैसे कर रहे हो, और कहां पर वो लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमें ब्रिज करना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। अब क्वेश्चन आता है, मैम बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वाय एकलव्य? क्योंकि जिस प्राइस पे हम आपको 50 टेस्ट देंगे, उस प्राइस पे आपको टेस्ट कहीं नहीं मिल सकते। We are going to give you 30 part test, ताकि आप exactly identify कर सको कौन सा ऐसा point है जहां पर आप weak हो। So part test, full syllabus test के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, revise करना पड़ता है। तो part test आपको वो identify करने में help करते हैं कि कौन सा हमारा point weak रह गया, उसको improve कैसे किया जाए। And 20 full tests which will prepare you for the final day। इतना ही नहीं, इसको बनाने के लिए हमने एक्सपर्ट्स की मदद ली है। ये ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास मिनिमम 20 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये वेदांतु में नहीं, टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, टॉप रैंक्स निकाल चुके हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के टीचर के पास तो 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जो बायो की टीचर है उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। सो दे हैव बीन टीचिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इनको एग्जैक्टली पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बच्चों को उस पे हमें जज करना।
जैसा कि मैंने आपको बोला, टेस्ट जो हमारे हैं वो दो टाइप के हैं। एक है पार्ट टेस्ट, जहां पर थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रिपेयर किया जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जब दो या तीन चैप्टर का टेस्ट आ रहा है तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, इन दो तीन चैप्टर्स में मेरी वीक लिंक कैसा है। आपको टाइम मिलेगा ताकि आप इन दो तीन चैप्टर्स को डेप्थ में कर सको, सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर सको, थरली पढ़ाई कर सको। अगर इन दो तीन चैप्टर्स के आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बनाकर उनको रिवाइज भी कर सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपकी सारे टॉपिक्स में मास्टरी हो जाएगी। इसके बाद हम रखेंगे आपके फुल सिलेबस टेस्ट, ताकि आपको एग्जाम में लॉन्ग टाइम के लिए बैठना, तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ जगल करना, आपको टाइम मैनेज करने आना, पूरे नीट सिलेबस को एक रात में रिवाइज करके अगले दिन टेस्ट देने जैसी तैयारी भी आप कर सकते। So it is a beautiful mixture of part test, जिससे आप thorough पढ़ाई कर सकते हो, systematically पढ़ाई कर सकते हो, and the full syllabus test, जहाँ पर आप prepare होंगे कि final day आपने paper कैसे देना है। दोनों type के test आपके लिए जाएंगे। In the Vedantu Eklavya test series, आपको मिलेगा सबसे पहले एक rank prediction, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे देश में फैले हुए हैं और हजारों लाखों बच्चे हैं। तो एग्जैक्टली ये आपके नीट के पेपर को सिमुलेट करेगा और आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, आपकी रैंक क्या आ रही है, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सको। जैसे 2020 में नीट का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न चेंज हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, एक्सरसाइज बेस्ड पेपर आ रहा है, वैसे थीम बेस्ड पेपर हम देंगे। देयर इज अ टोटल डाइवर्सिटी, जिन्हें हॉट्स कहा जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज है, ताकि अगर इस साल एनटीए कुछ अलग टाइप का पेपर भी बनाती है, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ डिफिकल्टी लेवल भी बहुत वेरीड है। और जब आप 50 तक टेस्ट दे दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है ये सिम्युलेट करेगा फाइनल डे आपको कैसा फील होगा, कैसे आपने टाइम मैनेज करके तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए पेपर देना है, सो दैट फाइनल डे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Let us now get into the depth of the Eklavya test series, और मैं आपको इसके test series का एक-एक point ढंग से समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आपकी rank predict होगी, हजारों लाखों aspirants में आप कहाँ stand करते हो, आपकी potential rank क्या आ सकती है, इस rank के हिसाब से आपको analyze करके ये भी बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर improve करने की ज़रूरत है। थीम बेस्ड पेपर में 60% डुएबल एंड 40% टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये कर पाओगे तो एग्जाम में तो आप झंडे गाड़ के आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू विल बी एबल टू बैलेंस द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द अप्रोचेबल क्वेश्चंस विद डूइंग वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट। आपके स्किल्स रिफाइन होंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इजी लगेंगे, बिकॉज यू हैव बीन सॉल्विंग द थीम बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स विद वेदांत। इजी बट एक्सटेंसिव क्वेश्चन सेट्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट्स, फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन सेट्स, वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन सेट्स, इजी से लेकर डिफिकल्ट सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड इतने रिसर्च और डेटा ड्रिवन पेपर बना है कि एग्जैक्टली एग्जाम में आप कैसा फील करोगे आपको पहले ही हम पता करा देंगे। एलिमिनेट करेगा ह्यूमन बायस इन क्वेश्चन सिलेक्शन, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल डेटा एनालिटिक्स को यूज करके पेपर्स को बनाया गया है। इट विल रिप्रेजेंट द नीट पेपर, बहुत स्ट्रक्चर्ड होगा, डाइवर्स डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे, सो दैट ऑन द फाइनल डे आप बिल्कुल भी ओवरवेल्म ना हो, डरो नहीं। हाउ वी क्रिएट आवर टेस्ट, एक बहुत इलैबोरेट और एक बहुत ज्यादा एरर फ्री प्रोसेस है। हम हमेशा एनालाइज करते हैं कि पिछले सालों के ट्रेंड्स क्या हैं। इसीलिए हम अपनी थॉट्स पे नहीं, डेटा पे डिपेंड करते हैं। हम एनालाइज करेंगे नीट के क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कितना उसका एवरेज एक्यूरेसी एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है, और फिर इन डिफिकल्ट, इजी और मीडियोकर क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपके लिए एक परफेक्ट नीट का पेपर तैयार किया जाएगा। हम डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस, डूएबल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस,
को बैलेंस बहुत स्ट्रैटेजिकली करते हैं ताकि होलिस्टिक कवरेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो, सो दैट यू माय डियर स्टूडेंट्स गेट एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन पेपर एनटीए बनाएगा. 200 क्वेश्चन को मेटिकुलसली सिलेक्ट किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल और कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में बांटा जाता है ताकि डाइवर्सिटी बिल्कुल नीट के पेपर जैसी ही हो. कोई बायस नहीं होता कि ये उठा लो मैंने ये पढ़ाया है. यू नो टीचर्स जब पेपर बनाते हैं, अच्छा मैंने पढ़ाया ये कर दो, ये नहीं पढ़ाया छोड़ दो. एब्सोल्युटली नो बायस बिकॉज इट्स अ डेटा ड्रिवन पेपर. रिसर्च वैलिडेट किया जाता है और फिर ये आपके पास बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन पेपर देते हैं. अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की एट द प्राइस दैट वी आर गिविंग यू, इट इज अ बिग लॉस फॉर यू. प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द लेक्चर और मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने ये खरीदना भी. एक होलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि हमने पार्ट टेस्ट दिए जहां आप थरली कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ोगे और फुल सिलेबस टेस्ट दिए जो आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर द फाइनल डे. हमने इसके बावजूद थीम बेस्ड पेपर्स भी डाले हैं. हमने एनालाइज किया है एक एक क्वेश्चन को, उस पे मार्क्स बांटे हैं जिसके बेसिस पे हम आपकी रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और लगभग वही रैंक आपकी फाइनल डे भी आएगी. ये पेपर्स आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे. इट्स अ वेरी रियलिस्टिक सिमुलेशन. सिमुलेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली फाइनल डे क्या होने वाला है. ये पेपर जब आप सॉल्व करोगे आपको वैसा ही लगेगा बिकॉज ये बायस नहीं है और डेटा ड्रिवन पेपर्स हमने बनाए हैं. ऑल दीज पीपल फ्रॉम रितु मैम टू डॉक्टर रूहानी टू विवेक सर टू रुमीना मैम एंड टू गौरांग सर along with the entire team of Vedantu have gotten together to produce the best papers for you. Ye sabse experienced hain. 25 saal se padha rahe hain, rank 3, 4, 11, 5 produce kar suke hain. Agar inke solved kiye hue physics paper aapne kar liye, you will truly feel ki yaar ab physics mein mujhe aur kuch nahi karna. Again, JEE mein, AIIMS mein 2, 3, 5, 7 rank nikal chuke hain 14 saalon se Gaurang sir, क्योंकि एचओडी भी है पढ़ा रहे हैं. रूमीना मैम 14 सालों से पढ़ा रही है, बुक्स लिख चुकी हैं विद सेंगेज पब्लिकेशन, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाकर शी हैज अ वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस. शी हैज आल्सो मेंटर्ड क्लोज टू 15,000 स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस टॉप रैंक्स अक्रॉस ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत जगह पढ़ाया है. एंड ऑब्वियसली एकलव्य की मेन मेंटोर है रूहानी मैम जो 17 सालों से पढ़ा रही है, एम्स रैंक 1, 3, 10, 11, 14, 36 और 2000 से ज्यादा नीट के स्टूडेंट्स इनसे पढ़ चुके हैं. आपका टेस्ट कुछ ऐसा लगेगा जैसे मोनास्कस परफ्यूरियस इज यूज्ड इन कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, राइट? तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, रिव्यू लेटर कर सकते हो, आप आंसर कर रहे हो कौन सा नहीं आंसर. देखो कितना इजी है, सो दैट यू कैन ऑलवेज रिव्यू बैक, पढ़ सकते हो, राइट? आपने यहां पर आप आंसर करेंगे, फाइनली आप एंड टेस्ट भी दे सकते हैं. आपका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा लगेगा जहां पर आपका स्कोर कितना है, कितना टाइम लगा, कितने अटेम्प्ट किए, रैंक क्या आई, सब्जेक्ट वाइज आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, डिटेल्स में क्लिक करके भी देख सकते हो. आपको एक बहुत डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी विच इज गोइंग टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट फॉर यू, करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, लेफ्ट, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चंस किसमें सॉल्व किए हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सो दैट आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको. फाइनली टेस्ट देने का मतलब ही ये है. ये देखिए परसेंटेज, राइट, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आपका स्कोर कितना है, डिफिकल्टी लेवल्स क्वेश्चंस के कितने थे, कौन से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कौन से आपने सॉल्व किए, ये सारी चीजें आपको यहां पर एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी. लीडर बोर्ड में आप कैसा कर रहे हो, क्लास की एवरेज क्या है, आपने कितना किया, क्या आप टॉप 10 परसेंटाइल में आ रहे हो, टॉपिक वाइज रिपोर्ट मिलेगी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने क्वेश्चन करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड है, मॉलिकुलर बेसिस में कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट, कितने अनअटेम्प्टेड, ये आपको हेल्प करेगा जानने में कि किसके क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, कहां पर क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो, कहां पर क्वेश्चंस आप इनकरेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वाले टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, इनकरेक्ट वाले टॉपिक को रीडो करना है, अनअटेम्प्टेड वाला पोर्शन आपने किया नहीं आपको दोबारा करना है, क्लास की एवरेज इतनी है, बैच ने ऐसा परफॉर्म किया,
आपने कितना परफॉर्म किया, टॉपर का क्या चल रहा है, राइट ये सारी चीजें, कितना टाइम लगा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये चीजें आपको ऑफलाइन टेस्ट में नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पाते हो। आपका स्केड्यूल देखिए, अगस्त सितंबर फिजिक्स के ये टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स हैं, बायो के ये टॉपिक्स हैं, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप इसके हिसाब से अपना स्टडी कैलेंडर भी बना सकते हो। सो प्लीज गो गेट द एकलव्य टेस्ट, बिकॉज आपको टेस्ट देने की हैबिट पड़ेगी, आपको पता चलेगा लाखों बच्चों में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जब आपको पता चलेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगी। आपको टॉपिक्स पे फीडबैक मिलेगा, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। अब मैं आपको दिखाती हूं हाउ एग्जैक्टली कैन यू बाय दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज। सो लेट मी शो यू, 11th ग्रेड का लिंक अलग है, 12th और 13th ग्रेड के टेस्ट का लिंक अलग है। All of this is happening under my supervision. So please go get this test. I'm like the main mentor for this group. Right? So please jaiye, ye test lijiye. Aapko ye code use karna hai so that aapko na, you know, aapko ek mehenga na pade. Aapko ek discount mile. So VD Pro 10 to get a 10% direct discount. Please use this code. Now let me show you the links. तो 11th का जो आपका लिंक है, right? देखिए 11th का लिंक, right everybody? It is on a 26% off. You will further get offs with VD Pro 10. तो आप जाइए, buy now पे क्लिक कीजिए. Please always use the code VD Pro 10, right? और 12th के लिंक्स जो हैं, वो आपके ये है. Right, 30 plus 20 test, जैसे मैंने बोला है, use the code VDPRO10. All the best, don't forget it, description box पे आपके links हैं, click कीजिए, get the test, I am 100% sure it's going to help you. God bless you everyone, take care, bye. And the best part is, the tests and the books which were offered by Vedantu, it had a lot of varieties of questions and it helped us a lot, especially the tests were a good benchmarking test from a point of view of judging our preparation. वेदांतु की टेस्ट सीरीज बाकी टेस्ट सीरीज से काफ़ी अलग है और अच्छी है, और नई नई मार्किंग स्कीम और नए तरीके से क्वेश्चंस नोवेल एकदम फ्रेम करते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में मजबूर करे। My chemistry was very weak. बिफोर आई ज्वाइन वेदांतु काफ़ी रेगुलरली टेस्ट होता था, एवरी 3 days और 2 days में, तो इससे काफ़ी अच्छे से मेरे वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज में एनालाइज कर पाया। ऑल्सो एक नोवेल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होता था जिसमें सब फ्रेश क्वेश्चन आते थे, जो मुझे एक्चुअल जेईई एडवांस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें।